देखते रहिए UVN 08 न्यूज़। शाजापुर से कैमरामैन फूलचंद अहरवार के साथ मुकेश अहरवार की रिपोर्ट। शाजापुर SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 18 लाख रुपए की लूट की घटना का 24 घंटे में किया पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार, फरियादी ही निकले आरोपी, लूटे गए 18 लाख बरामद। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। हेमंत नाम का, उसके घर पर दबिश थी और पूरी की पूरी राशि, क्योंकि बहुत जल्दी तत्परता से काम हुआ था, तो पूरी 18 लाख रुपए की राशि बरामद हो गई और इन तीनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोग थाने पर आए थे, रिजवान और उसके साथ पर अखबार, दोनों ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया कि इन लोग ब्यावरा से 18 लाख रुपये लेके आ रहे थे। तो बाईपास पर एक स्कॉर्पियो ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया, उसके बाद बल्कि गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया, शुरू में इन्होंने बताया यह था कि ये गाड़ी खुद रोकी इन्होंने। और परसों के दिन थाना कोतवाली पर दो लोगों ने आकर रिपोर्ट की थी, एक व्यक्ति का नाम रिजवान और दूसरे का राजपाल है। इन्होंने रिपोर्ट यह की थी कि ये लोग 18 लाख रुपए ब्यावरा से लेकर आ रहे थे, इंदौर जा रहे थे, शाजापुर बाईपास के पास इन्होंने कार में थे ये दोनों लोग, अपनी कार रोककर या टॉयलेट करने के लिए रुके, तभी पीछे से एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आई और उसने इनके कनपट्टी पर बंदूक लगा दी और इनसे पैसे के बारे में पूछा। उन्होंने मना किया तो उन्होंने खुद ही कार में से रुपए का बैग निकाल लिया, उनके कार की चाबी को उठा के फेंक दिया और पैसे लेके आगे मक्सी की तरफ चले गए। इन्होंने कोशिश की उसके पीछे जाने की और उसके बाद जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो फिर इन्होंने थाना कोतवाली में आकर इस तरह की सूचना दी। क्योंकि जो अमाउंट था 18 लाख रुपये, बहुत बड़ा अमाउंट था, इतना गंभीर और सनसनीखेज मामले की रिपोर्ट आई तो पुलिस तत्काल हरकत में आई। सबसे पहले घटना स्थल को देखा गया, इनका जो वर्जन था उसको जांचा परखा गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध प्राथमिक तौर पर ही दिखाई दी। उसके बाद फिर जो CCTV थे, टोल टैक्स बैरियर भी पड़ता है जिस रास्ते पर इन्होंने स्कॉर्पियो को जाना बताया था, उन सबको जब तहकीकात की गई